कैसे हो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और बड़े ही मज़े से होंगे। और हम आ गए अपने नए वीडियो के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई अपना जो आज का वीडियो है ना, वो पूरा का पूरा एक फुली पैक्ड टिप्स एंड ट्रिक पे बेस्ड है। तो भाई ये जो अपना पहला ट्रिक है ना, वो आपको हेल्प करेगा मिरामर में फ्लेयर गन फाइंड करने में। भाई जैसा कि आप जानते हैं, मिरामर इतना बड़ा मैप है कि हमें एनिमी स्पॉट करने में मुश्किल हो जाती है, तो फ्लेयर गन ढूंढना तो बहुत दूर की बात है। तो अपना जो ये पहला ट्रिक है ना, वो आपको हेल्प करेगा कि भाई मिरामर में वैसे चार जगह है जहाँ पे आपको फ्लेयर गन 100% मिलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। अपना जो पहला जगह है ना, उसका नाम है ला कुबेरा, और मैं आपको एग्जैक्टली मैप में दिखा भी दूंगा कि ये अपना जो ला कुबेरा में किस बिल्डिंग में आपको आते ही फ्लेयर गन मिल जाएगा। तो आपको इस जगह पे आके लैंड कर जाना है, और भाई आपको जो दिख रहा है ना, जो मेरा एग्जैक्ट मार्क वाला बिल्डिंग है, आपको वहाँ पे लैंड करना है। और आपको वहाँ पे लैंड करने के बाद इसके हेल्प के थ्रू आप पहले ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई हमारा जो फ्लेयर गन है वो ऊपर ही में होगा। तो भाई यहाँ पे ऊपर चढ़ने के बाद आपको दिख ही रहा होगा कि हमारा जो पहला फ्लेयर गन है वो यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो भाई आप कुछ भी कर लो, मैंने 2-3 बार ट्राई करके देखा, बट ये जो फ्लेयर गन की स्पॉट है ना, वो 100% फिक्स्ड है। और आप ये एग्जैक्ट जगह देख लो ला कुबेरा में, आपको ये कहाँ पे मिलेगा। तो भाई बस ऐसे जगह पे फ्लेयर गन स्पॉट करना बहुत इजी है, और फिर आप इजीली निकालो फ्लेयर गन और अपना फ्लेयर गन चला दो और उसका लूट लेके बस बूम बाम मचा दो। तो अब मूव करते हैं अपने अगले स्पॉट की। बस जो अपना अगला स्पॉट है ना, वो है सेंट मार्टिन। तो भाई अपने जो सेंट मार्टिन है ना, उसका आप एग्जैक्ट जगह देख लो कि भाई आपको फ्लेयर गन सेंट मार्टिन में मिलेगा कहाँ पे। तो भाई वो आपको दिख रहा है ना बिल्डिंग, जहाँ पे बिलबोर्ड लगा हुआ है बड़ा ऐसा। तो भाई वो जो बिल्डिंग है ना, जहाँ पे बिलबोर्ड लगा हुआ है, उसके आपको टेरेस पे, जहाँ जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी, उसका जो टेरेस है ना, वहाँ पे आप जब ऊपर जाओगे तो वो एक 100% कन्फर्म जगह है जहाँ पे आपको फ्लेयर गन हर बार मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि मैंने इस जगह को, जितने भी जगह मैं दिखा रहा हूँ उसको ऑलरेडी 2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई इधर आने के बाद आपको देख रहे हो यहाँ पे फिर से एक फ्लेयर गन है। आप इसे इजीली फिर से यहाँ से उठा सकते हो और फिर फ्लेयर गन अपना शूट करो और उसका लूट लेके मजे लो भाई। और अपना जो नेक्स्ट जगह है फ्लेयर गन का, उसका नाम है चुम्मा सेरा। तो आप भाई इधर चुम्मा सेरा में आने के बाद, आपको जो ये वाला बिल्डिंग दिख रहा है ना, रेड वाला बिल्डिंग, आपको इसके टेरेस पे जाना है। तो टेरेस पे जाने के लिए आपको बस इधर आना है, विंडो से जंप लगाना है, और फिर इधर से जंप लगा के आपको सामने वाला जो छोटा सा बिल्डिंग दिख रहा है ना ब्लू कलर का, आपको वहाँ पे चले जाना है। और भाई यहाँ पे आने के बाद आपको पीछे दिख रहा है ना, ये जो वुडन बॉक्सेस रखे हुए हैं पीछे में, आपको यहाँ पे आके जंप लगाना है और फिर ऊपर वाले एरिया पे आ जाना है। और भाई ऊपर आते ही आपको सामने वाले टेरेस पे चले जाना है। और भाई ये देखो, आपका जो थर्ड फ्लेयर गन है वो भी यहाँ पे इजी रखा हुआ है, और बहुत ही इजीली आप इसे स्पॉट भी कर सकते हो, और फिर इसे भी चला लो और मजे लो। और अपना जो नेक्स्ट फ्लेयर गन का एरिया है वो है मिनास द जनरलाज। तो भाई अपना ये जो एरिया है ना, तो भाई ये जो है ना, ये सबसे अनोखा जगह है जहाँ पे हमें फ्लेयर मिलता है, क्योंकि भाई यहाँ पे हमें फ्लेयर लिटरली ज़मीन पे रखा हुआ मिलता है। आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये जो फ्लेयर है ना, ये आपको हमेशा ज़मीन पे रखा हुआ मिलेगा, और भाई एकदम ये ओपन एरिया में होता है। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फ्लेयर गन स्पॉटिंग टेक्निक थोड़ी पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो भाई अपना जो नेक्स्ट ट्रिक है ना, वो है इरेंगल मैप का। तो भाई इरेंगल मैप में हमें कैंपिंग करने की बहुत सारी जगह है, बट अभी जो मैं आपको जगह दिखाने वाला हूँ ना भाई, वो एक इनविंसिबल जगह है। अगर आप वहाँ पे घुस के कैंपिंग करते हो तो आप कभी नहीं मर सकते, लिटरली कभी नहीं। उसे करने के लिए क्या करना है भाई, ये जो जीप दिख रहे हो ना, जो ये जीप पड़ा हुआ है यहाँ पे टूटा फूटा सा जीप, उसके पास आ जाओ और बैठ जाओ और अपने टीममेट को बोलो भाई कि प्रोन हुए वहाँ पे आके आपके पीछे, और आपको पुश करे। और आप देख रहे हो यहाँ पे आप इजी वे में अंदर घुस गए। और भाई यहाँ घुसने के बाद आपके एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं दिखने वाला है उसको, आप बिल्कुल ही इनविंसिबल हो।
वो नेड करे, आपको शूट करे, आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। बट आप अंदर से आके शूट भी कर सकते हो और आप इजी वे में नेड भी कर सकते हो। देख रहे हो, आपके पास थोड़ा बहुत स्पेस भी है। बट हाँ, आपको यहाँ से निकलने के लिए थोड़ा क्या करना होगा कि आपको अपने आप पे नेड करना होगा और फिर आप बाहर निकल जाओगे और आपका टीममेट आपको इजी वे में रिवाइव कर देगा। और भाई अगर सोचो यहाँ पे अगर लास्ट जोन कट गया ना तो आप एनिमी का क्या हाल करोगे। और आप देख रहे हो यहाँ पे मैं इजी वे में स्मोक भी कर सकता हूँ और नेड भी कर सकता हूँ। और अब मूव करते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। तो भाई अपना अगला ट्रिक जो है ना वो रोजॉक का है। तो भाई ये वाला ट्रिक भी है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हम जानते हैं भाई रोजॉक में उतरने के बाद हमें जल्दी जल्दी गन नहीं मिलती और भाई पूरा मारधार मच जाता है। तो भाई अपना जो पहला ट्रिक है ना वो इस वेयर हाउस से रिलेटेड है। तो भाई वेयर हाउस आने के बाद मान लो कि अगर आपको लूट नहीं मिली तो आप करोगे क्या भाई? तो उसका सबसे ईजी तरीका क्या है ना, वो जो सामने आपको दिख रहा है ना वुडन बॉक्स, आप उसके अंदर जाके छुप सकते हो। तो पहले आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो कि ये होता कैसे है। आपको यहाँ पे आना है, अपने एनिमी को, अपने फ्रेंड को बोल दो भाई कि स्प्रिंट में डाल दो और आप प्रोन एंड जंप करो। और भाई देखो मेरा जो टीममेट है वो इजी वे में अंदर घुस गया और वो एकदम 100% हिडन है। आपको मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखा दूंगा कि भाई ये एग्जैक्टली करना कैसे है। तो चलिए आप फटाफट पहले आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए कि भाई ये होता कैसे है। तो आपको यहाँ आ जाना है, इस टाइप से बैठ जाना है और अपने दोस्त को बोलना भाई पुश कर पीछे से। और भाई पुश करते ही आप देख रहे हो एकदम अंदर घुस गए। और भाई इधर अंदर आने के बाद आप भी एकदम 100% इनवेंसिबल हो। और यहाँ आने का फ़ायदा ये है कि आप यहाँ से शूट भी कर सकते हो भाई। हाँ जी हाँ, आप यहाँ अंदर आने के बाद 100% शूट कर सकते हो। इवन शूट नहीं, आप यहाँ से बैठे बैठे नेड कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको एनिमी अगर सामने से आया तो आप उसका क्या हाल करोगे। आप देख रहे हो अगर आपको सामने वाले डोर से अगर एनिमी आ रहा है तो भाई सोच रहे हो क्या जगह है ये। चलिए आपको फटाफट मैं आपको नेड करके भी दिखा देता हूँ कि भाई आप यहाँ अंदर आके ईजी वे में नेड भी कर सकते हो। और देख लो अगर आपको एनिमी शूट करेगा तो आपको भी गोलियां नहीं लगेंगी। तो आप देख लो भाई यहाँ बैठ बैठे आप इजी वे में नेड भी कर सकते हो। तो देख रहे हो भाई, और यहाँ पे नेड कर दो और सारी के सारी टीम फिनिश। और आपको यहाँ से निकलने का तरीका ये बहुत इजी है भाई, बस आगे मूव कर जाओ और आप बॉक्स से इजी वे में बाहर निकल जाओगे। और अब मूव करते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। भाई अपना अगला ट्रिक जो है ना वो रिलेटेड है अपने ही रोजॉक के इस रेड वाले बिल्डिंग, या फिर आप बोल लो कि जहाँ भी इस टाइप का स्टेयर है ना वहाँ पे आप ये वाला ट्रिक कर सकते हो। ट्रिक का जो वे है वो एग्जैक्टली सेम है। आप यहाँ पे इस टाइप से बैठ जाओ, स्प्रिंट पे डाल दो और अपने फ्रेंड को बोलो पीछे से पुश करने के लिए। और ये देखो भाई आप इजी वे में अंदर घुस गए। और भाई यहाँ से भी आप अंदर आने के बाद ना हर जगह शूट कर सकते हो। सोचो अगर आप यहाँ पे आके कैंप कर रहे हो और कोई पूरी की पूरी टीम यहाँ पर रश कर दे, सोचो आप यहाँ से क्या हाल करोगे उनका। देख लो आप सामने इजी वे में शूट कर सकते हो। शूट ही क्या भाई, देखिए मैं आपको नेड करके भी दिखा सकता हूँ। मान लीजिए आपका जो एनिमी है वो आ रहा है सामने से और आप ऐसे टाइप से नेड कर दो सीढ़ी पे, फिर देखो भाई क्या हाल होगा उनका और वो आपको कुछ भी नहीं कर सकते इस जगह से। तो भाई ये वाले ट्रिक भी है ना ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप रोजॉक आते हो और यहाँ पर बहुत सारे एनिमीज आती हैं। और ये आप एग्जैक्टली बिल्डिंग देख लो कि मैंने किस बिल्डिंग में ये ट्रिक किया था। और आप मूव करते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। तो अपना अगले ट्रिक जो है ना वो मैं एग्जैक्टली आपको ट्रिक नहीं, मैं आपको फन ट्रिक बोलूँगा जो आप अपने फ्रेंड को दिखा के भाई शॉक कर सकते हो। वो लिटरली शॉक हो जाएंगे भाई ये हुआ कैसे। इसका तरीका भी एग्जैक्टली सेम है। आप ये देख रहे थे आपको यहाँ पे आके बस बैठ जाना है और स्प्रिंट पोजीशन में जाना है और आपको फ्रेंड जैसे ही पुश करेगा आप भाई दीवार फाड़ के बाहर निकल जाओगे। ये देखो फिर से मैंने किया इसे और मैं दीवार से बाहर आ गया। भाई ये जो ट्रिक है ना ये बहुत ही फनी ट्रिक है, अपने दोस्तों को दिखाओ और उन्हें शॉक करो। तो भाई अपना जो टिप्स एंड ट्रिक है ना वो यहीं पे ख़त्म होता है। और अपना टिप्स एंड ट्रिक का ये पार्ट 8 था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे बाकी पार्ट को भी देखा होगा। और अगर आपको मैं हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और भाई वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को और बताएं भाई कितनी फ़नी टिप्स एंड ट्रिक आ रही हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।